नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। सील डायघर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाला बड़ी देसाई इलाका, जिसके आसपास का इलाका खाड़ी का है। खाड़ी इलाके में इसी खाड़ी इलाके के किनारे कल सील डायघर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई चंद्रकांत जाधव के मार्गदर्शन में एपीआई चिटनीस पीएसआई राठौड़ और उनकी टीम ने छापा मारा, जहाँ उन्हें प्लास्टिक के 36 ड्रम मिले। इन ड्रमों में हाथ से बनाई जाने वाली शराब बनाने के सामग्री इस्तेमाल होने वाले सामग्री मिले हैं, जिसकी कीमत 82,000 रुपये बताई जा रही है और उसे वहीं नष्ट कर दिया गया। और इस पूरे मामले में प्रहार टाइम्स की संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने पुलिस से क्या जानकारी ली है, वो हम आपको सुनाते हैं। आपका प्रहार टाइम्स से, मैं सबिया हुसैन शेख। हम खड़े हैं डायघर पुलिस स्टेशन में। कल इस पुलिस स्टेशन के हाथ में आने वाली बड़ी देसाई की खाड़ी के किनारे बन रही अवैध दारू भट्टी पर छापा मारा, जहां प्लास्टिक के 36 ड्रम मिले, जिसमें दारू बनाने के लिए जो सामान लगता था वो सामान मिला। ऐसा बताया जा रहा है कि इस दारू भट्टी को बनाने वाले दिलीप महात्रे, आकाश महारोती महात्रे और किरण नाना किन्ने चला रहे थे। इस पूरी कार्रवाई में एपीआई चिटनीस पीएसआई राठौड़ और उनके कर्मचारियों ने किया। तो आपने सुना, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अवैध शराब की भट्टी, जो हाथ भट्टी है, दिलीप महात्रे, आकाश मारुति महात्रे और किरण नाना किने नामक लोग चलाते थे। इन सभी पर आईपीसी की धारा 328 के साथ शराबबंदी कानून की धारा 65EF लगाकर सील डायघर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।